जय हिंद दोस्तों। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया के पूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन होल्डर सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहां कहां पर वैकेंसी है पहले तो मैं बता दूं, ऑल इंडिया के पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है और बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 19/3/2024 यानी कि 19 मार्च 2024 से 17/4/2024 तक फार्म भरे जाएंगे। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकली है। पहले भी वैकेंसी निकली थी, अब फिर निकाली गई है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कौन सी पोस्टों में कितनी भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के पद पर 52 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्ट हैं। कैंटीन अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, इसमें कोई भूतपूर्व सैनिक के लिए पोस्ट नहीं है। सेल्समैन ग्रेड 1 की 20 वैकेंसी है, जिसमें 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। इसके बाद स्टोर कीपर की 9 वैकेंसी में 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए है। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की 19 वैकेंसी में 2 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिसमें कोटा है उसी में मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट की 37 पोस्ट में से 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। असिस्टेंट के लिए बता दें 18 पोस्ट में 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 पोस्ट में से 34 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए निकाली गई है। बता दें इसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 188 पोस्ट में 18 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है, इसमें 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर की टाइपिंग आपको आनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। केयर टेकर की 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 84 पोस्ट है, 8 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसके बाद केयर टेकर फीमेल की 64 पोस्ट में से 6 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। हाउस मैट्रॉन की जो वैकेंसी है 40 पोस्ट में से 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। हाउस मैट्रॉन फीमेल में 26 पोस्ट में से 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। इसके बाद और भी पोस्ट हैं वो भी दिखा देते हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टिगेटर की 10 पोस्ट में से 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 5 पोस्ट में 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है। इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस की 15 पोस्टों में से 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसमें मैं बता दूं टोटल पोस्ट अगर देखी जाए तो बहुत सारी हैं। पहले और बता देते हैं कौन सी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर की 26 पोस्ट में से 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है। अकाउंट असिस्टेंट की 54 पोस्ट में से 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। ये सारी पोस्टें भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। अगर बता दें 1499 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि 97 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई हैं, रिजर्व रखी गई है। इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप भर सकते हैं। बता दें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वेटरनरी इंस्पेक्टर के लिए बता दें 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए है। 12th पास होना जरूरी है और 1 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप वेटरनरी से हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी वेटरनरी वाले एक्स सर्विसमैन हैं वो इसमें जरूर अप्लाई करें। सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 रुपए। पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और ग्रुप सी की पोस्टें हैं। ये पोस्टों में बता दें सारे के एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हैं। किसी में अगर उसमें डिप्लोमा मांगा गया है तो ट्रेड सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे सेल्समैन में केवल 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है। तो केवल इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं जरूरत है। और बता दें इसमें 20,200 से प्लस ग्रेड पे 2400 पे लेवल 4 की सैलरी इसमें मिलेगी। सारी पोस्टों के इसमें दिए हैं कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए आपको ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करने से पहले एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लें। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।